आपको क्या लग रहा है भी ट्रैक्टर कितने दिन में मिलेगा? एक दिन में, दो दिन में, एक महीने में, छह महीने में? आप कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए सर। जी ऐसा है, एक दिन का तो लगता नहीं है, अब लग नहीं रहा। जैसे सुबह हम आए आज, हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्टार समाना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। तो वीडियो में आपको बाद में लेके जाएंगे कि किस ट्रैक्टर के ऊपर एसी कैबिन लगाने जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ नया अपडेट लेके आ रहे हैं। नया अपडेट क्या है? नया अपडेट ये रहने वाला है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि गेहूं का सीजन आने वाला है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारी जो कंपनी है, इसकी जो एसी कैबिन की टेस्टिंग करती थी पहले, इसको एक परफेक्ट जगह में किया जाता था, किसी को बताया नहीं जाता था कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। लेकिन हम जल्दी ही ट्रैक्टर की जो टेस्टिंग वाली वीडियोस हैं वो आपके सामने जनता करने जा रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग होगी जो गेहूं का जो फूस पराल होता है, जिसको हम हमारे पंजाब में तूड़ी बोलते हैं, तो उसकी जरिए टेस्टिंग करने जा रहे हैं हम। उसके बाद इसकी वाटर टेस्टिंग होगी कि इसके बीच में पानी नहीं जाता, फिर डस्ट की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग की वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंचने वाली हैं। और अब हम आपको ये बता दें कि मुक्तसर जो माघी का मेला आ रहा है, वहाँ पर हम अपना जो एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। और उसके बाद एक मेला और आ रहा है खेतीबाड़ी के रिलेटेड, उसका जो हम पूरा लोकेशन आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। वहाँ पे हम अपने ट्रैक्टर की लाइव टेस्टिंग करने जा रहे हैं, एसी कैबिन की लाइव टेस्टिंग, मतलब एक बकायदा ग्राउंड में इसको टेस्ट किया जाएगा। तो आपको विनती है कि आप वहाँ ज़रूर पहुँचिए, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो जगह हम लोकेशन आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं आज वाली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्टार समाना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। मैं गुरदीप सिंह आज एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हूँ, और हमारे साथ भाई जुड़े हैं हरियाणा से, सिरसा से आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आपको बता देते हैं कि जो आप सामने देख रहे हो जी, ये ट्रैक्टर 5310 है, जो कि ओल्ड मॉडल है, हमारे पास आज एसी कैबिन के इंस्टॉलेशन के लिए आया है। तो कोशिश हमारी हर बार की तरह यही रहेगी कि हम एक दिन में ट्रैक्टर को एसी कैबिन लगा के निकालेंगे। और बाकी आपकी इंट्रो करवाते हैं भाइयों के साथ जो हमारे पास आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो भाइयों का वेलकम करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले वो कैसे हो सर, ठीक ठाक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले दर्शक भाई आपको देख रहे हैं, तो आप उनको अपना इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से हो, आपका क्या नेम है, कैसे कैसे, आप बताइए जी। जी, मेरा नाम गोकुल चंद सनम श्री कश्मीर लाल, ठीक है जी, विलेज नेरा डेला खुर्द, जिला सिरसा, हरियाणा से आया हूँ मैं। ठीक है जी। तो हम आपके ये पूछना चाहते हैं कि आपको गोल्ड स्टार समाना की जो एसी कैबिन की जो नॉलेज है, आपको कहाँ से पता लगा कि एक गोल्ड स्टार समाना में एसी कैबिन की जो इंडस्ट्री है वो लोकेटेड है? ये जी, हम पंजाब यूनिवर्सिटी, इनका लोगो देखा था पहले वहाँ मेले में। ठीक है जी। हाँ जी, वहाँ सारा इनका विजिट किया था, फिर दो बार हम आए भी हैं यहाँ, विजिट भी किया पूरे कंपनी का जी। ठीक है जी। तो आप ये भाई साहब हैं? हाँ, मेरे छोटे ब्रदर। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम है, ठीक है जी। मैं गजन हूँ, मेरे ब्रदर हैं ये। ठीक है जी। तो नेजा डेला खुर्द गांव है हमारा, तो छोटे भाई हैं हमारे, वो सर्जन डॉक्टर हैं, उन्होंने ये सर्च की है सारी। ठीक है जी। ये गोल्ड स्टार समाना से, तो इन्होंने कहा था आज ट्रैक्टर के लिए लेके आओ, सुबह लेके आओ, शाम तक दे देंगे। तो आप इस बात को कितना सहमत हो, कितना ईमानदारी से बता रहे हैं, कितने सहमत हो इस बात से आप कि सुबह ट्रैक्टर लेके आओ शाम को ले जाओ? क्योंकि मैं तो देखो कंपनी की तरफ से पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, मैंने तो आँखों से देखा है कि सुबह ट्रैक्टर आते हैं शाम को जाते हैं, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कह रहा है इसमें, आपने ऑनेस्टली बताना है बिना किसी पर्दे के, क्योंकि आपको वीडियोज़ आपकी बहुत लोग देखेंगे, तो आप बिल्कुल ऑनेस्टली बताओगे हमें आपको क्या लग रहा है भी ट्रैक्टर कितने दिन में मिलेगा? एक दिन में, दो दिन में, एक महीने में, छः महीने में? आप कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए सर। जी ऐसा है, एक दिन का तो लगता नहीं है जी, लगता नहीं लगता एक दिन में। जैसे अब वेट करते हैं शाम तक, हो सकता है एक दिन लगे या दो दिन लगे या तीन दिन लगे। वैसे आपका मानना ये है कि अब लग नहीं रहा, जैसे सुबह हम आए आज, हो सकता है ये शाम को दे दें, लग नहीं रहा। ठीक है। और हो सकता है इनकी मेहनत पे डिपेंड करता है, शाम को हो भी जाए, हमें मिल भी जाए। तो पहले आपने कहाँ से पता किया होगा, जो आपके भाई डॉक्टर हैं तो उन्होंने भी पता किया होगा, कितना समय लग जाता है अप्रोक्सीमेट, आपको बताया होगा कि इतना टाइम लग जाता है? जो पहले तो लगा रहे हैं ना जी, पंजाब में जितने भी लोग लगा रहे हैं, वो तो दो से तीन महीने ट्रैक्टर रोकते हैं जी। ठीक है जी। उनका तो विजिट किया, वो तो दो से तीन महीने रोकते हैं,
अब इनका देखो क्या करते हैं ये। अगर दो तीन महीने का वो टाइम लेते हैं उनके मुकाबले, अगर ये एक दो दिन में भी दे दें तो ठीक है, सहमत है हम उससे। तो एक तो दो तीन महीने ट्रैक्टर रोकना, एक एक दो दिन में कर देना। तो वैसे हमारा जो कंपनी का कमिटमेंट है जी, अब तक हमने इतने एसी कैबिन लगा दिए, वो तो हमारा कमिटमेंट है, एकदम हम सही उतरे हैं। सुबह ट्रैक्टर आता है, शाम को हम ट्रैक्टर दे देते हैं। चलो आपको लग रहा है कि ट्रैक्टर नहीं मिल पाएगा आपको शाम को, तो वीडियो के एंड में भी भाई हम भाइयों का जो रिव्यू है ना ऑनेस्टली ही लेंगे हम, कोई इसमें पर्दा नहीं रखेंगे। अगर ठीक है भाइयों को एक दिन से ज़्यादा लगता है तो देख लीजिए भाइयों की शक्ल अच्छे से, इनसे ही हम दोबारा ये बात पूछेंगे आपको कितना समय लगा है। और इनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने ऑनेस्टली ही बताना है कि हमें भाई एक दिन लगा या दो दिन लगा है। तो चलिए अब हम आप ट्रैक्टर के साथ जो इसकी अनदर क्लिप्स हैं वो आपको दिखाते रहेंगे, और वीडियो के एंड में मिलेंगे हम भाइयों के रिव्यू के साथ। ये ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर है जी, 5310 टू व्हील ड्राइव है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। अब इसका जो हमारे वर्कर्स हैं वो इसका जो पार्ट्स हैं जैसे मड गार्ड वगैरह जैसे हम बोलते हैं उसको रिमूव कर दिया गया है, तो अब इसका काम स्टार्ट है। मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में, हमारे साथ बने रहिए। और भाइयों का जो रिव्यू है हम भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो इनका रिव्यू होगा वो सबसे 101% पूरा ऑनेस्ट होगा। वैसे जो पहले भी रिव्यू दिए हैं सभी ने वो भी ऑनेस्टली होते हैं, लेकिन चलो आज भाइयों ने कहा है कि हमें नहीं लग रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भाइयों की जो इन्होंने कहा है कि नहीं लग रहा उसको हम जुटला सकें और हमारी बात है जो उसको हम ऊपर रख सकें। तो हम मिलते हैं और भाइयों को कहते हैं आप, हाँ जी हाँ, शाम तक वेट करते हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ बनिए रहिए वीडियो के एंड तक।
तो दोस्तों जैसे कि आपको सुबह बताया था कि हम शाम को ट्रैक्टर को अपने जो असेंबली पॉइंट है वहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि हम कैबिन इंस्टॉल कर देंगे। तो फाइनली हमारी तरफ से कैबिन रेडी है, ट्रैक्टर रेडी है। तो आपने सुबह भी इंट्रो में सुना था, भाइयों ने बोला था, तो आज हम और अभी उनसे दोबारा बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब को, तो भाई साहब तो ठीक है, सबसे पहले तो दर्शक भाइयों जो इन्होंने सुबह बोला था उसकी क्लिपिंग हम आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं, ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा। आपको क्या लग रहा है भी ट्रैक्टर कितने दिन में मिलेगा, एक दिन में, दो दिन में, एक महीने में, छः महीने में, आप कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए। सर जी ऐसा है, एक दिन का तो लगता नहीं है जी, अब लग नहीं रहा, जैसे सुबह हम आए आज। तो हाँ जी दोस्तों, आपने सुनी लिया कि भाइयों ने क्या बोला था, तो अब हम उन्हीं की जुबान से उन्हीं की बात पूछते हैं। वो बोल रहे थे ना कि हमें लगता है दो तीन दिन, लेकिन हमें अपनी कंपनी पे और अपनी टीम पे पूरा विश्वास था। किसी विश्वास के जरिए ही हम ये कहते हैं कि जो काम है वो हम एक दिन में करके दे दें, क्योंकि जो हमारी टीम है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, सारी टीम जो गोल्ड स्टार की विद स्टाफ एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स लेबर सब बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो पूरा अच्छी तरह से टीम बनी हुई है। तो भाइयों से पूछते हैं, हाँ जी भाई अब आप क्या कहना चाहोगे? तो आप नहीं, लगता तो नहीं था, हाँ जी, लेकिन आपका जो स्टाफ है ना जी, वो बहुत हार्ड वर्क करता है जी, और आपके जो मालिक हैं उनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, और सारे सबके सहयोग से ही होता है जी। एम्प्लॉयज हैं जो बहुत वर्क करते हैं जी, बहुत वर्क करते हैं, मैं तो हैरान उनकी मेहनत देख, ठीक है, धन्यवाद। तो ये था इनका कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे भाई साहब से भी हमने बात, स्पेशली इनसे भी यही बात करने, क्योंकि इन भाई साहब ने भी हमें यही बोला था कि हमें तो नहीं लगता। तो भाई से ही पूछना चाहेंगे कि जो नहीं लगता था, जो नहीं लगता होता वो हमारी कंपनी वो करती है। तो भाई के जो मुंह से आप सुनिए कि इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम कहते थे। तो भाई साहब अब आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है सर जी, जो कहा था वही हो गया है, हमें तो यकीन नहीं था, और एक दिन में कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छा वर्क करा है, पूरे खुश हैं हम, पूरे संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया। एक बात सर और पूछना चाहेंगे आपसे कि देखिए आप ट्रैक्टर लेके आए सुबह, तो आपने पहले ही बताया था कि जहाँ पे आप पता, हमने पता भी किया है आपके ब्रदर का ने में भी है ना, उन्होंने हाँ पता किया था, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर हम रेटिंग की बात करें, तो सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे 100 की रेटिंग है, तो आप हमारी टीम को, हमारी गोल्ड स्टार कंपनी को रेटिंग कितनी देना चाहोगे? अगर आपके सुबह वाली बात सुनेंगे तो सुबह तो उस हिसाब से तो आप 100 में से 10 दे रहे थे हमें, लेकिन अब टाइम थोड़ा कुछ और है ना। ऐसा ही होता है जी, देखो हमने पहले नहीं देखा था आपकी, ठीक है जी, वर्क तो काम तो देखो जी मेहनत से होता है, हाँ ये तो है, बंदा जितनी मेहनत करता उतना काम ज़्यादा होता है, ठीक है, हमने नहीं देखा तो, और हमें लग भी नहीं रहा था, लग भी अब आप 100 में से 101% भी कहो तो हम देने को तैयार, ठीक है। तो ये थे हमारे हैप्पी कस्टमर, और अब हम जो हमारी कंपनी की तरफ से छोटा सा प्रेजेंट देते होते हैं हर एक वीडियो के एंड में, तो हम अपने जो GM साहब हैं और MD साहब, आप उनको कहेंगे कि आप यहाँ पे आइए। तो अगर आप भी अपने ट्रैक्टर पे AC कैबिन लगवाना चाहते हो जी, तो आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9872037100, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। तो जो हमारे सोशल साइट्स पे हम सभी जगह पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी हमारे साथ रابطہ कायम कर सकते हो। बाकी भाइयों ने अपना एड्रेस बता ही दिया है आपको, कोई भाई इनके नज़दीक का होगा वो बात करना चाहता है, इनसे पर्सनली मिल के बात करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हो। तो हमारी तरफ से तो एक बार मैं फिर कैमरामैन को बोलूँगा, हमारी टीम का स्पेशल धन्यवाद जी, जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो सुबह भाइयों को जैसे कि उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारी टीम ने ये पॉसिबल करके दिखा दिया है जी। तो हाँ जी भाई, अगर आप भी अपने ट्रैक्टर पर सिर्फ एक दिन में AC कैबिन लगवाना चाहते हो, तो हमारे पास ज़रूर विज़िट कीजिएगा, हमारे नंबर हमने आपको बोल ही दिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लोकेशन हम बता देते हैं, पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट के समाना जो सब डिवीज़न है वहाँ पे हम, हमारा जो ये लोकेशन है समाना से सिर्फ 2-3 किलोमीटर, जब आप पात्रा वाली साइड जाओगे तो रोड के ऊपर गांव आएगा चक अमृतसर, वहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हो, और बाकायदा हमारा ऑन रोड वहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं आप वहाँ से हमारे पास विज़िट कर सकते हैं। तो कोई क्वेरीज हो उसके लिए भी विज़िट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हर समय रेडी रहेगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट ट्रैक्टर के साथ।
तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धन्यवाद जी।